यहाँ साइड से निकाल तो उसे पत्थर देख छोटे छोटे है, ज्यादा वो नहीं होगा, ये देख दिख रहे पत्थर खैच के नहीं निकलेगी खड़ी भाई। मोहित ये कुछ आपको ये साइड में खाई हट जाओ, इस वक्त हम बहुत ही ज्यादा टायर्ड है, हट जाओ। तो ये मैंने बाइक ऐसे सेट करी आज, ये सारे ऊपर ये मैं जो मैंने लगाए ब्लैक ब्लैक कलर के, ये है मेरे बैग के वाटरप्रूफ रेन कवर्स। तो ये बाइक हो चुकी है रेडी, बस 15 से 20 मिनट लगेगी हमें यहाँ से निकलने में, फिर यहाँ से सीधा सरचू के लिए निकलेंगे हम। तो ये व्यू है यहाँ का, तो ये रोड यहाँ पे कुछ ऐसे है, देखो अभी तो पीछे बहुत छोटे छोटे रोड थे तो वीडियो बना नहीं पाया हमें, मुझे लगा वीडियो ऑन है बट वीडियो ऑन नहीं थी। जैसे ये आपको दिख रहे ना, ये तो आपको हर मिलेगा हर एक किलोमीटर बाद, देखो ये दिखा आपको ये साइड में खाई, साइड में खाई थी। और ये 4-5 फीट लंबा रोड होता है, उस पर ही ट्रक निकलते हैं, उस पर ही आपकी गाड़ियाँ निकलती हैं। तो बस आओ, तो भाई साहब पहले एक बार थोड़ा माइंड, अब जिस बाइक पे आपका पूरा हाथ बैठा हो वही बाइक पे आना, क्योंकि हल्की सी रेस थोड़ी ज़्यादा हुई ना, यहाँ बचना मुश्किल है, सीधा यहाँ से नीचे गिरेंगे और ऊपर मिलेंगे। ये बर्फ़ वो कितने गट से निकाल रहा हूँ मैं, दिख रहा है? तो यही दिक्कत यहाँ बहुत होती है। और नाइट ड्राइविंग बिल्कुल ना करें, जैसे ही आपको लगे कि अंधेरा होने वाला है, हो नहीं गया होने वाला है, तो नाइट ड्राइविंग बिल्कुल छोड़ दे, बिल्कुल इधर नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा भैया जी, यहाँ तोड़ा लेंगे कर लेंगे अच्छे अच्छे राइडर्स GS ब्लॉक्स। और देखो ये देखो आपको दिखा कितना पानी है, वेरी गुड। तो ऐसी चीज़ों पर बिल्कुल ही सेफ रहें, आराम से घर पर सेफ पहुँचेंगे, आपके घर वाले आपका वेट कर रहे होंगे, उससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है, क्योंकि यह नेटवर्क वैसे ही नहीं आते। और अगर आपके पास कुछ भी होता है आपके साथ, तो आपके घर पे खबर पहुंचने में भी बस 10 से 20 दिन लगेंगे। यहाँ साइड से निकाल तो उसे पत्थर देख छोटे छोटे है, ज़्यादा वो नहीं होगा, ये देख दिख रहे पत्थर खैच के नहीं निकलेगी खड़ी भाई। जय ओम साई राम। निकाल ली, निकालेंगे हाँ। और तेरे जूतों में पानी भर गया है इस वाले में, हाँ तो पैर ऊपर भाई नहीं क्या होते, जूतों में पानी भर गया है, वो निकालना पड़ेगा क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। मैं कितनी सेफ चलाऊँ, जितनी भी सेफ चला रहा हूँ उतने ही देखिए, देख सबको, तुझे क्या सबको दिख रहा है ये कि मैं कैसी गाड़ी निकाल रहा हूँ इस वक्त। वेट 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 मैं निकाल लूँगा। ओ भाई देख रहे हो गाड़ी के टायर, वेट है गाड़ी पर। बहुत कंसिस्टेंसी के साथ मुझे गाड़ी निकालनी पड़ रही है, बहुत ही दिमाग लड़ा के। सर दर्द हो रहा है मेरे बहुत ज़्यादा, इतने 14,000 फीट पे हम आराम से निकाल, कोई नहीं आई विल डू, निकल जाएगी निकल जाएगी। पीछे बोलना आसान है, बैठ के यहाँ से निकालो वहाँ से निकालो, आएगा ना थोड़ा रुकेंगे पहले, हाँ अंदाजा लगाएंगे कि कहाँ से कहाँ कैसे गाड़ी निकलती है, फिर मेरा सुनेंगे कौन सा बेस्ट है। हाँ कि इधर पे वो नहीं है ना कि कच्चा कच्चा, यहाँ के रास्ते सीरियसली बहुत ही ज़्यादा पहाड़ों का सीधा पानी ऊपर ही रहता है और ये ऊपर से नीचे आता है, अब देख लो आप खुद, पागल नाला कहते हैं, पागल नाला पागल है। ये है पागल नाला, सामने बकरियां है, अब देख यहाँ से निकालनी पड़ेगी गाड़ी। उन भैया ने बोला था कि एक बंदे को उतारना ही पड़ेगा, अगर हम नहीं उतारेंगे किसी भी एक बंदे को, आपको वीडियो में पानी कम लग रहा होगा मगर पानी बहुत है इसमें। ओए निकलने का रास्ता हट जाओ, इस वक्त हम बहुत ही ज्यादा टायर्ड है, हट जाओ।
गेरी क्रॉसिंग पत्थर उत्तर बड़े पहने हैं, गाड़ी वो ना हो जाए। अब इसके बाद आएगी एक और क्रॉसिंग, वो जो होगी सबसे ज़्यादा ही खतरनाक क्रॉसिंग आ गई भाई। तीन हो चुकी है भाई, सरचू से पहले क्रॉसिंग आती है, सरचू के बाद मट्टी वाला एरिया आता है, और वो मट्टी वाला एरिया ऐसा होता है, लो भाई सांस फूलने शुरू हो गई, ऑक्सीजन कम हो गई, पानी नहीं। इस वक्त पानी भी नहीं है हमारे पास, हमें लगा आगे कोई दुकान होगी पानी ले लेंगे, बट ये गई है, बहुत बड़ी गलती कर दी हमने, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी है। ओए हाँ यार, स्क्रीन सूख गई है, होठ सूख गए हैं, बस कोई दुकान मिले हम पानी पिए और कुछ करे। उसकी हालत कैसे खराब हुई आपको कैसे पता लगा? वहाँ पे पहुँचने को एक तो टेम्परेचर -3 में था। हाँ माइनस दाम थे लास्ट टाइम, वो -5 था। ऐसा लग रहा था कुछ नहीं पहन रखा, ऊपर से कंबल ओढ़ रखा था, कुछ नहीं पता लग रहा था। अभी रास्ता खराब है, आपको कहाँ से मिलेगा, आगे चेक पोस्ट आएगा। हाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि सांस फूलना बहुत होना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा फूल रहा था, बट हमने झेल लिया, हमने झेल लिया, हमने इतना माइंड पे नहीं लिया। अब सारी चीज माइंड की होती है, जितना सोचेंगे ना उतना होगा। सोचो वो डर गया, बहुत बहुत डर गया, और ऊपर से मिलिट्री वालों ने और डराया, एक डेथ हो गई है परसों। हाँ उस ऑक्सीजन की वजह से डेथ हो गई है बंदे की, पता है। लो भाई नुकसान पे नुकसान, दिखा दो उठा के एक बार, दियो। चलो भाई एक नुकसान और हो गया, जूता गया पूरा, मुझे लग रहा था बाइक मंदी लग रही है, इसलिए नुकसान ही नुकसान है यार। बैठ जा, क्या दिक्कत होगी, क्या हुआ बाइक में? तो हमें लगा दिक्कत है इसलिए वापस है। चलो ठीक है भैया, हाँ रुकेंगे थोड़ी देर गाड़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी है और हाई अल्टीट्यूड पे है, तो यहाँ गाड़ी रोक के कुछ खाते पीते हैं। हाँ मोहित पीछे लग जाओ, लाइन में पीछे लग जाओ। हाँ जी सर, मोहित नाम है? नहीं गाड़ी का नंबर 0698। बाइक का नंबर DL। एक मिनट होल्ड करिए, पूरी बाइक का नंबर पूछ रहे हैं। DL9SBY लीजिए सर, गाड़ी नंबर है DL बोलो भाई, DL 9S BY 0698 0698 Duke 250 दिल्ली, हमें लद्दाख, नाम मोहित, 9999 31। थैंक यू। डन, इन्होंने यहाँ रोका, गाड़ी के नंबर वंबर लिखे। मिट्टी
हुआ। सुबह से मॉर्निंग से 190 किलोमीटर गाड़ी चल बाइक चला चुका हूँ। 190 किलोमीटर ज़्यादा नहीं है, बट जो रोड थे ना यहाँ के, उन्होंने मुझे एक सीरियसली ख़त्म सा कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा बेकार रोड थे, बहुत ही ज़्यादा। तो बस अब चल रही है गाड़ी कैसे ना कैसे, अब वहाँ स्टे करके मुझे तो भाई सोना है। बस ये ब्लॉक करने के बाद अब सोना है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा। 6000 अब कितने एल्टीट्यूड पे हम? 15,880 एल्टीट्यूड पे हैं, आप समझ सकते हो। ऑक्सीजन की कमी है, हाइड्रेट डिहाइड्रेट बॉडी हो रही है। तो कैसी हो रही है मेरी बॉडी, बस मैं ही समझ सकता हूँ। तो चलिए, हाँ, क्योंकि पीछे वाले की भी हो रही है। रुकाओ, मैं रुक जाओ, करो उतरो, निकालो पैर, निकालो। क्लच खराब हो गया, पहनी क्या एक्स्ट्रा क्लच लाया नहीं, एक्स्ट्रा क्लच प्लग है, प्लग खराब हुआ है। तो कितनी देर से हो आप यहाँ पे, कितनी देर से हो यहाँ पे? ये हो गया आधा घंटा करीब हो गया। ये है कुछ, यहाँ बाइक बार बार बंद हो रही है। पहले रोड अच्छे थे और एकदम रोड इतने ख़राब आ गए, ये बाइक बार बार इसलिए बंद हो रही है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की कमी है बहुत ज़्यादा। इन भैया की भी बंद हो रही है, मेरी भी बंद हो रही है। यहाँ से आराम से चलानी पड़ेगी, यहाँ से निकल जाओ बस एक बार ट्रक के आगे से। अबे यार कैसे कैसे रास्ते दिखाएंगे भगवान, बस ये भगवान रास्ता क्रॉस करा दो, और कुछ नहीं। 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा घर जाके क्योंकि इन रास्ते हो गया, फाइनली हो गया, आई डिड इट ब्रो। चलो ये तो है कि प्रोफेशनल राइडर्स नहीं है, बट ऐसा भी राइडर नहीं हूँ कि मैं कहीं चला ना पाऊँ कुछ। मेरी तो बंद हो रही है भाई बार बार, हॉर्न भी नहीं बज रहा भाई, बैटरी गई बाइक की देख, बाइक की बैटरी गई। आ गया भाई, है देखा, ऑक्सीजन की कमी इतनी हो गई है यहाँ पे। देख, ये देखो ट्रक वाले कैसे चला रहे हैं, हॉर्न दे तो रहा था, हॉर्न बजेगा तभी तो दूंगा ना। मतलब इस रोड पे बाइक की पूरी बैटरी खत्म, पूरी बैटरी, इवन न्यूट्रल नहीं दिखा रहा था, इवन हॉर्न नहीं बज रहा था, पता नहीं पूरी बैटरी ड्रेन हो गई है। बस भगवान नीचे पहुँचा दो जल्दी से।